हेलो जी, हाँ खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। क्या बात है? थोड़ी बात करनी थी आपसे। आप तो कॉल नहीं उठाते हो, कॉल उठाते हो तो भाग जाते हो। मैं फोन किया था, तुम भाग गए, तुम बात नहीं कर रहे थे। नहीं, कब कब करा आपने फोन? जब मैंने फोन उठाया था तो अच्छा, तुम उठाया था बात आपने। नहीं हाँ, किए। आपने किया? नहीं, आपने उठाया था। हाँ, मैंने उठाया था तो बात नहीं किए, बात तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं लाइन पे ले रहा था ना। चलो, अब कर लो बात, कोई बात नहीं। टाइम है ना आपके पास अब? हाँ, किसको लाइन पे लिए हो? जी, हाँ जी हजरत, हाँ, जलालुद्दीन साहब, खैरियत? कौन बोल रहे हो? अरे वही जिसका नंबर आपने ब्लॉक करके रखा है, मोहम्मद उमर। क्यों अच्छा, मोहम्मद उमर। ये ब्लॉक कर रहे हो, बताओ, भाग ही नहीं रहे? अल मुफन जो तुम बोले थे, तुमको हाँ, अपने आका ग्रीन की किताब का नाम मालूम नहीं है, तुम मुनाजरा अच्छा करते इससे हो? बात करना है क्या? नहीं, तुम बताओ, इतना भी तुम इतने बड़े जाहिल होके मुनाजरा देखो करते डर हो? गया है ये, फिर गैर डर गए जरूरी की बात बात कर हो? रहा। जब अल मुफंद कहते हो, अच्छा तुम्हारे लिए आज वो तुम आए जज्जा हो क्या मुनाजरा है? करने के लिए, तुम अच्छा इतने बड़े तुम जाहिल पढ़ हो? दो क्या है, हाँ, अल तुम पढ़ दो। मुहन्नद अल मुफन्नद। अच्छा तो माशाल्लाह और माशाल्लाह, तुम उसको कह रहे हैं अल हमारी मुफन्नद किताब को अल हुज्जत मान मुफन्नद। लिए। अच्छा तुम्हारे अच्छा, आला अल हजर की मुहन्नद किताब अल दो, तुम मुफन्नद पढ़ोगे? मैं बात करूंगा तुमसे। सुनो, देखो भागने लगा, कभी बात करेगा? अल हेलो। हाँ, अभी बात करूंगा अल मुहन्नद अल मुफन्नद हाँ, पर। इस अल मोहन्नद अल मुफन्नद पे बात करोगे तो हाँ, तो तुमने कहा ना अल मुहन्नद अल मुफन्नद, तो उसी पर बात करूंगा। इसका क्या सुनो, बात करोगे? इतना बात अपने ये कर रहा हूँ अपने मुजद्दिद से बात तो नहीं करोगे? हमारे मुजद्दिद पर कोई बात करने का तुम्हारे पास नुक्ता भी नहीं है बात करने के लिए। तुम्हारे अकाबरीन में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी तुमसे जब बात हुई, मैंने साबित कर दिया कि तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे अकाबीर आला हजरत की ताजीम करने के लिए कहा, और ताजीम वाजिब है, और आला हजरत की गुस्ताखी हराम है, बिल्कुल जायज नहीं वो समझते। कहाँ लिखा और है आला हजरत ताजीम के ऊपर वाजिब कोई है? एक लफ्ज कहने की वो तुम्हारे देवबंदी ताजीम में नहीं वाजिब है। है, कहाँ लिखा है वो हवाला पेश करो। वो तुम्हारे हवा देवबंदी उलमा ने खुद लिखा है, देखो आला हवाला हजरत नहीं की पेश रहमतुल्लाह करेगा, अलैहि लिखा है। हवाला नहीं, हमारे अकाबिर ने जो तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर कहा है, हवाला पेश करो। तो काफिर को फिर रहमतुल्लाह अलैहि जी कहा है? अरे मैं काफिर कहा है, हवाला पेश ये तो करो। तुम्हारे मुनाफे पर रहमतुल्लाह साबित अलैह हो किसने गया। कहा है? अगर रहमतुल्लाह अलैह काफिर किसने कहा कहा है? है, फिर किसने काफिर कहा है? को रहमतुल्लाह अलैहि कहा है? किसने कहा है वो रहमतुल्लाह बताएगा? अरे अलैहि, मैं कई बार पेश कर रहा हूँ तुमको। किसने कहा है बगैर इबारत के वो बड़बड़ करेगा खाली? तो बड़बड़ मैं इबारत क्यों कर शायद रहा नहीं है? कर निकाल रहा हूँ, बड़बड़ नहीं हाँ कर रहा कि हूँ, इबारत निकाल हाँ रहा हूँ, हाँ इबारत हवाले पेश साबित कर कर रहा तब हूँ मैं तुझे तुमको। बताऊंगा ना, मतलब फोन काट के भागना नहीं। लेकिन इबारत निकाल रहा हूँ, जरा चुप हो जाओ। हाँ हाँ फोन काट के भागना नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ, कुछ और थोड़ी बोल रहा हूँ। डर के मारे भागना मत। चलो आज इसी पे बात करते हैं। हाँ, तुम्हारे इबारत में लिखा है, तुम्हारे अकाबरीन में लिखा अरे है, इबारत आला पहले हजरत की भेज, ताजा पहले हजरत स्कैन हमारे भेज दो साथ जनाब, लिखते फिर बात थे। करना। स्कैन भेजो। जी, रुको जरा। हाँ, ये तुम्हारे है तारीखी दस्तावेज, हाँ लिखने वाले हैं स्कैन भेजो, स्कैन इधर भेजो। तारीखी तुम्हारा दस्तावेज नंबर नहीं होता, दस्तावेज होता है। अनिस को भेज गाबर रहा हूँ। गाबर कह, गिफ्ट किताब पढ़ना नहीं आता। हाँ भाई अल मुहन अल मुफन, तुम्हारे बुजुर्गों की किताब नहीं पढ़ पा रहे। कहा, मैंने कहा तारीखी अल दस्तावेज मोहन अल पढ़ मुफन्नद रहा कहा है, अल है। मोहन्नद अल मुफन्नद मैं कह रहा हूँ बार बार, तो झूठ बोलता है। बार बार तुम शुरू में क्या हाँ हमने अच्छा, तेरा मुंह पकड़े हैं? तुम्हारे आला हजरत की तुम्हारे किताब कान भेजी, तुम खींचे पढ़ के हमने, बताएगा? हमने तुम्हारे कान खींचे, तब तुम्हारे तुम्हें अकल आई अरे कि हमने यार, आदमी और बनाया था डरपोक और कहीं तुमने के, डरपोक कहीं नाम के अच्छे पहचान से नहीं बात दिया कर है। ले, हाँ, डरपोक कहीं के अच्छे से बात कर ले। हेलो मैं लाइन पे ले असला, रहा हूँ, पता नहीं कैसे कट गया, ऑनलाइन पे ले रहा हूँ। अरे वो भाग गया होगा काट करके। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। हेलो, फोन काट के क्यों भागे हो? अरे भागे नहीं, वो कट गया था धोखे से, लगा अगर दिया है, भागते तो अगर नहीं वापस तो से वो लगाते मैं क्या भेज रहा हूँ। तुमको? मैं भागते तो कहा वापस भेज से रहा हूँ, लगाते? हाँ मैं भेज रहा हूँ, भाई, भेज दो, फोन काटो मत। अरे हम नहीं, तू काट के भागेगा अभी। हाँ बताओ, ये तेरी आदत है काट के भागने की। हाँ देखा जाएगा, देखा जाएगा, अच्छा हाँ देखा देखा जाएगा जाएगा क्या होता बोलता है। है। अच्छा इसका भेज मतलब रहा हूँ कबूल कर रहा तुम्हारे है, पास, कबूल कर रहा है। भेज दिया। हेलो,
भेज दिया मैंने नजरत के पास। हाँ भेज दिए एक मिनट। हाँ भेज दिया मेरे पास, तुम भेजो उनको। हाँ भेज दिया मैंने, भेज दिया, बात करो। ये क्या भेजा है, ये क्या भेजा है, ये क्या भेजा है? हाँ हाँ क्या भेजा है? ये तारीखी दस्तावेज जो है अबू रैयान जी और रहमान फारूकी। हाँ हाँ जी, और रहमान फारूकी तुम्हारे मौलाना नहीं है क्या? चीज तुम्हारे आलिम नहीं है जी और रहमान फारूकी? साबित कर दो भाई, ये तो बना के स्कैन, ये हाँ स्कैन, ये तीन तीन किताब का ये तो बना बना के भेजा है। ठीक है, बना बना के भेजा है? हाँ हाँ ये बना के भेजा है, ये सुन ना पहली बात है, ये क्या चीज बना के भेजा है? ये जी आर रहमान फारूकी की इबारत नहीं है, इसमें ऊपर लिखा है, ये बरेलवी के बारे में लिखा है ऊपर, अहले सुन्नत वल जमात उलमा बरेली की तारीखी साज फतावा, जबकि बरेली को अहले सुन्नत वल जमात मानते ही नहीं है। जो सब शिया के कुफर में शक करे वो खुद काफिर है, तो किसने किसने वो बात कही है वो लिखा हुआ है फतवा उलमा बरेलवी का। ठीक है, ये तो उन्हें मक्कारी किया है, इसने मक्कारी किया है। अब मैं अपने उलमा देवबंद से भेजता हूँ कि उलमाए देवबंद तुम्हारे मुजद्दिद की तकवीर करते थे। हेलो भाग्या, क्या भाग्या भाग्या, देखो ये झूठ। हाँ मैं वही तो मैंने बता दिया, अब यहाँ लिखा भी है दारुल उलूम हिजबुल इस्लाम लाहौर का फतवा, दारुल उलूम कौसिया लाहौर का फतवा, जामे निजामिया रजविया का फतवा, ये लिखा भी है सब बरेलवी के। ठीक है, ये बरेलवी इबारत भेज रहा है और ये कह रहा है कि उलमाए देवबंद, जबकि उलमाए देवबंद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं इबारत भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने इनके फाजिल बरेली की इबारत पर कुफर का फतवा लगाया है। ठीक है, इबारत पर हाँ हाँ अभी अभी नामजद होता है, नामजद क्या नामजद क्या नामजद क्या नामजद क्या देवबंद काफिर है? भागा भागा भागा, दिखा दे एक फतवा। अरे तू भी बात कर, मैं भी बात करूं, ऐसा बड़बर मत कर अपने टाइम पे, मैं तेरे टाइम पे खामोश रहा। ठीक है, वीडियो के अंदर हाँ सुन सुन, अच्छा अच्छा ये आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह। अरे यार हारून नदवी की क्या बात है, वो तो दोनों को अरे यार हारून नदवी मोतबर है, हारून नदवी मोतबर है, हारून नदवी मोतबर हो गया, हारून नदवी क्या हमारे लिए मोतबर है बताओ? तो तुम्हारे आलिम नहीं है हारून। अच्छा ये बात बताओ, जो उलमाए देवबंद को मुसलमान समझता है, ठीक है, उनको रहमतुल्लाह अलैह बोलता है, उनके बारे में क्या फतवा? चल वो दूसरी तरफ मत भागो, अभी देखो भागा ही है, कहता दूसरी मैं तेरी तरफ यही मैं तेरी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं तेरी तरफ ही आ रहा हूँ, हाँ मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। किस किसने मुसलमान माना रहमतुल्लाह अलैह कहा, इस पर बात हो रही है। अब उस तो इसको अधूरा छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। मैं कहाँ दूसरी तरफ भाग रहा हूँ, अजय थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, खामोश रहे अभी, अभी खामोश रहे। ये असफ अली थानवी रहमतुल्लाह की इमदादुल फतावा, अरे बड़बड़ाया, इसलिए मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, दोबारा कहना चाहता हूँ। चलो इसको खामोश कराओ पहले, तू मुझे बोलने नहीं दिया ना, बिल्कुल एक लाख। अच्छा दो दो मिनट की बात कर, चल दो मिनट तू बोल, दो मिनट में अभी अभी देख, अभी 2:42 हुआ है, अभी चल बोल। तुम इतनी देर से मैं बोल रहा था, तुम भी बड़बड़ा रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे उलमा हमारे आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह कहा, तुम्हारे मंजूर मेमगल उन्होंने भी आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह कहा, और मुफ्ती हारून नदवी ने भी आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह कहा, तारिक जमील ने भी आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह कहा, और भी तुम्हारे दीगर बहुत सारे उलमा आला हजरत के लिखे हुए सलाम पढ़कर उनको बहुत ज्यादा उनके दिल कल्ब को मुनव्वर मुजल्ल हुआ है। आला हजरत के लिखे हुए सलाम जाकर मदीना शरीफ में तुम्हारे उलमा पढ़े हैं, और उनको करोड़ों करोड़ों रहमत नाजिल हो आला हजरत पढ़ करके उन्होंने दुआ भेजे, आला हजरत को दुआ किए, तो इन तमाम उलमा पर हो या इन तमाम उलमा को देवबंदी मानते हो, तुम वाजह करो।
बोलो अभी काम अभी तुम्हारा हो गया, मुझे बोलने दे ठीक है। अभी दो मिनट मत बोलना मेरे टाइम पे बिल्कुल। देखो सामीन, इसने जो एक इबारत भेजी झूठी इबारत तारीखी दस्तावेज ठीक है, इसमें बरेलवी इबारत है, इसको इसने देवबंदी इबारत बना के पेश किया, इसने झूठ बोला जबकि ये बरेली इबारत है। और इसने बाद में जो फला फला का नाम लिया, एक भी हवाले नहीं दिया, खाली बड़बड़ करता रहा, इसके अंदर हवाले देने की हिम्मत नहीं है। मैं हवाले देता हूँ, देखो इमदादुल फतावा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, इमदादुल फतावा जिल्द 6 सफा नंबर 76-77 में ठीक है। एक इबारत जिसमें हदायत बख्शिश की एक इबारत है, हदायत बख्शिश हिस्सा अव्वल सफर नंबर 16 की, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हुआ मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं है तेरा मेरा। इस इबारत पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि यह सरीहन शिर्क है, और इस सूरत में उस शेर का बनाने वाला, शेर का कहने वाला मुशरिक और खारिज आज इस्लाम के समझे जाने के काबिल है। यानी इसके आला हजरत को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, मुशरिक और इस्लाम से खारिज ठीक है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे अकाबरीन में से है। दूसरी जगह मलफूजात हकीमुल उम्मत कहते हैं बिदती अक्सर बेदीन होते हैं और खुदा का खौफ उनके दिल में बिल्कुल नहीं होता और वो बेदीन होते हैं ठीक है। फिर तीसरी जगह कहते हैं अल मलफूजात जो है जिल्द नंबर 4 सफर नंबर 49 में कहते हैं बिदती जो है अहले बिदत अक्सर बदफहम होते हैं ठीक है, और शरीर बल्कि फासिक को फाजिर होते हैं ठीक है। इनके आला हजरत को तकफीर किया है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। और दूसरे हमारे दूसरे अकाबिर है मुर्तजा हसन चांदपुरी, वो खुद कहते हैं अपने रिसाइल चांदपुरी में जिल्द अव्वल और जिल्द अव्वल सफर नंबर 24 में कि बकौल मुतकल्लिमीन फुकहा किराम बर इजमा उम्मत खान साहब अपने फतवे से काफिर और मुर्तद हैं। यानी सारी उम्मत के नजदीक खान साहब जो है काफिर और मुर्तद हैं ठीक है। ये दो फतवे आपने पढ़े और तीसरा फतवा मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे भेजो फतवा सब भेजो। हाँ ऐसा बोलो माशाल्लाह। कौन कौन सा भेजूं आप बताओ, मैंने 3-4 फतवे पढ़े हैं, कौन कौन सा भेजूं? हाँ अनीस को भेजो, अनीस मुझे भेजे, चारू भेजो। हाँ मैं चारू का पोस्ट खोलूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा। हाँ भेजो, बस बस भेज रहा हूँ, गया दो तुम्हारी सब धज्जियां उड़ेगी। अनीस भाई आपको भेजूं, आप उनको भेज रहे हैं? हेलो अनिल को मैं और एक चीज भेज रहा हूँ, अब अनिल जो है भेज देना एकदम साफ साफ इबारत, मैं भेज रहा हूँ। भेज दिया हजरत आपने? हाँ जा रहा है मेरे सिलो है थोड़ा ठीक, जा रहा है। कहाँ भेजे हो अनिल? तो अभी मेरे पास नहीं आया, अभी आने दो ना फिर भेजता हूँ। भेज दो अनिश भाई, मैं भेज दिया हूँ, भेज दो। देखो आपके पास पहुँच गया। हाँ आ गया, आ गया, आ गया ना। हाँ उनको भेजो। जल्दी भेजो। और अब मैं दो भेज दिया हूँ, अब मैं तीसरा फतवा पढ़ता हूँ। पहुँच गया इनके पास, पहुँच गया है, पहुँच गया ना जी। अच्छा सामीन इकराम, यहाँ अभी मेरी बारी है, अभी खामोश रहो, अभी तुम्हारी बारी में तुम बोलना ठीक है। हो गया तुम्हारा, 2 मिनट से ज्यादा हो गया, तुम अभी रोके हुए थे ना भाई। तुम नहीं रोक, तुम्हारे इसका इंतजार कर रहा था, स्कैन का इंतजार कर रहा था। शामीन इकराम आप सुन लिया,
ये जो झूठ मूठ बकवास कर रहा है आधा हजरत के शान में, मैं ये कहता हूँ खत्मे नबुवत हंसना है, मेरी बारी में हंसना भी नहीं चुपचाप सुनना। खत्मे नबुवत और दीनी गैरत गैरत हमियत पर मबनी है फिक्र अंगीज दस्तावेज। कहाँ पे भेजा अनिस भाई, भेजो, इन्होंने भेजा है क्या? अरे रुक जा, अभी हवाले भेज, पहले रुक जा अनिस भाई। भेज दिया मैंने अनिस को, भेज दिया। कौन सी है, कौन सा हवाला इसने भेजा, जरा भेजो तो, इसका झूठ इसने। मौलाना अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैहि। अरे किताब का नाम पढ़। रोजगार अजीमुल मर्तबा पति, रोजगार सच्चे अनिस भाई, सच्चे मेरे पास स्कैन नहीं आया, खामोश रहे, मेरे पास स्कैन नहीं आया। तारीखी दस्तावेज जो वो तो मैं साबित करता हूँ, तारीखी दस्तावेज से बात मत। आला हजरत को फिर बड़बड़ा रहे हो, अब मैं पूरी बात फिर से कह रहा हूँ। स्कैन भेज, स्कैन तुमने जो कहा अहले बिदअत गुमराह, कौन सा स्कैन है? तो अल्लाह का खौफ नहीं रहता, स्कैन नहीं आया यहाँ नाम ले हजरत को। अगर कौन सा स्कैन तो ये भी साबित करना होगा कि आला हजरत की कौन सी चीज बिदअत है। अनिस भाई, अनिस भाई, आया नहीं है स्कैन। तुम आला हजरत को बिदअती कह रहे हो, वही बिदअत में तुम्हारे उलमा तुम्हारे अकादरीन भी मुब्तला है, हाजी अहमदुल्ला मुहाजिर मक्की बिदअत में मुब्तला है। तो पहले बिदअती वो होंगे गुमराह बदतरीन काफिर, पहले हाजी अहमदुल्ला मुहाजिर मक्की होंगे, उसके बाद आला हजरत के ऊपर आना। और आला हजरत के बारे में तुम्हारे उलमा रहमतुल्ला लिखा है, उलमा अहले सुन्नत लिखा है, सच्चे आशिक रसूल लिखा है। मैंने दो स्कैन तुमको भेजा हूँ, तुम्हारे अकादर तुम्हारे उलमा की किताब, और तुम इस किताब का इनकार कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपना एड्रेस भेजो, तुम्हारे एड्रेस पर किताब ओरिजिनल किताब हाथ में लेकर आऊंगा। मंजूर है? मंजूर है, एड्रेस भेजो और डेट बताओ फाइनल, कब आने के लिए बोलते हो उसी दिन मैं आऊंगा, किताब हाथ में लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, जिसमें आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया है। और तुम जो फोन पे मैं दे रहा हूँ, ये हमारी किताब नहीं है, ये बनावटी लिखा है, ये सब झूठ मूठ नहीं चलेगा। ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ तुम लोग झूठ मूठ भेज रहे हो, हालांकि झूठ तुम बोल रहे हो, तुम्हारे झूठ साबित हो गए, बहुत मरतबा साबित हो गया तुम्हारे झूठ। और आला हजरत को आज भी तुम्हारे उलमा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, तुमने कहा तारिक जमील के बारे में बताया, तारिक जमील का क्लिप मौजूद है, तारिक जमील का क्लिप मौजूद है, और कोई खास इख्तलाफ नहीं है, छोटी मोटी इख्तलाफ आला हजरत ने जो किया बाद में हद से बढ़ गए, बाद के लोगों ने तारिक जमील ने ये कहा। आला हजरत पर कोई भी कुफर का फतवा नहीं है, तारिक जमील ने डंके के चोट पे ऐलान किया। अभी खामोश रहो, अभी हो गया तुम्हारा टाइम, तुम्हारा टाइम हो गया जलालुद्दीन साहब, जलालुद्दीन साहब चोट पे ऐलान किया, जलालुद्दीन साहब तुम्हारा टाइम हो गया ना। देखो सामईन, जलालुद्दीन साहब ने तहफ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत भेजा है, अहमियत व अफजलियत, ये मोहम्मद मतीन खालिद, ये बरेलवी आलिम है। अब इसको इतनी तहकीक नहीं है कि कौन बरेली आलिम है, कौन देवबंदी है, अब समझ सकते हैं ये। खामोश रहो, खामोश रहो, नाम भी पढ़ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, खामोश। अरे मतीन खालिद नहीं है, क्या नाम है, चल पढ़ के बता, पढ़ के बता। देखो मेरे टाइम पे बोल रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये तहफ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत भेजा है, और ये जो है ये बरेलवी आलिम की किताब है, इसको इतना नहीं मालूम कि बरेलवी आलिम की किताब हवाले दूसरे को नहीं भेजे जाते, अपनी किताब के हवाले दूसरे को नहीं भेजे जाते। इसके उलमा ने कहा है कि तो ये घबराहट की निशानी है, पागलपन की निशानी है, ठीक है? अब मैं बरेलवियों के उलमा से मैं किताबें भेज रहा हूँ, और इसमें देखो इसके फतावा मुस्तफिया, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा रिजा कादरी, ये आला हजरत के जो है ये साहबजादे हैं। इसमें सफ़ा नंबर 261 पे लिखा है, कहते हैं कि जो देवबंदी हैं वो मुसलमानों को, सारे दुनिया के मुसलमानों की तकफीर करते हैं, बरेलियों की भी, ठीक है? और इसके ये दूसरा है सवाने से सबीन सुन्नत, मोहम्मद महबूब अली खान, ठीक है? इसमें लिखा है कि दूसरी बात यह है कि हम सुन्नियों को आज आप लोग काफिर कहते हैं, ठीक है? ये के
उसे दूसरा खामोश रहो खामोश रहो। मेरा दावा ये है, मेरे टाइम पे मत बोल, मेरे टाइम पे मत बोल। ये कहते हैं जस्टिस मोहम्मद करम शाह अजहरी के तनकीदी जायजा मां अहम फतावा, इसमें ये खुद कहते हैं कि सुन्नी ये सारे बरेली का फतवा कबूल नहीं है। और दूसरा ये मुहासिबे देवबंदिया जिल्द रोम, ये सफर नंबर 366 पे साफ साफ लिखा है कि मुजद्दिदो तकफीर काफिर कहने का मुजद्दिद, मुजद्दिदो तजलील गुमराही के मुजद्दिद यानी अहमद रजा को कहते हैं ओलमा देवबंद। बरेलवी दज्जालुल मुजद्दिदीन मुखर्रब दीन, दीन को खराब करने वाला मुजद्दिदुद दज्जालीन अहले दज्जल फरेब मुजद्दिदुद तकफीर मुजद्दिदुल मुजल्लीन, ठीक है आला हजरत को कहते हैं। सोचो क्या क्या बोलते हैं का, ये इतने अलकाब उलमाए देवबंद खुद देते हैं और ये कहता है कि ये नहीं है। देवबंद से बरेली कौकब नूरानी ओकाडवी कहते हैं कि अहले सुन्नत सुन्नी कहलाने ख्वाहिशमंद बल्कि अपने सिवा बाकी सबको मुशरिक बिदती कहते हो, यानी सबको मुशरिक बिदती बातिल साबित करने की कोशिश में करते हो, ठीक है। और हदिया बरेलियत पर एक नजर सफर नंबर 51 देवबंदियों के असफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ही का काम है, कहते हैं अगर बरेली में असफरी थानवी ने कहा कि अगर बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता तो आज तमाम सारी बरेली मुसलमान होती। भाई कौन कह रहा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह, यानी बरेली में सब काफिर हैं एक भी मुसलमान नहीं, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह का कौल नकल किया है उलमाए बरेली ने। अब से यहाँ साबित हो गया कि हाँ माशाल्लाह साबित हो गया कि अकाबिर देवबंद खामोश रहे यार, पूरी बात तो मुझे करने दे। इन लोगों की मुनाफिकत दोगलापन दज्जालियत देखिए, ये कह रहा है अब हंसने का नहीं, हंसने की बात नहीं है बात, तुमको तो खून के आंसू रोना चाहिए तुम जैसे नालायकों को। अब बताइए इनके उलमा जब सारे बरेलवियों को काफिर कहता है, ये कह रहा है सारे बरेलवियों को काफिर कहता है, तो ये हमारे पीछे नमाज भी पढ़ता है यहाँ के, मैं तो नहीं पढ़ता ना, 50 लोगों को लेके आया था मैं तो नहीं पढ़ता ना, ब्राह्मण कहीं गए नमाज की क्या बात आ गई, मैं तो नहीं पढ़ता। काफिर के पीछे नमाज पढ़ते हो, मैं तेरे पीछे तो नहीं पढ़ता ना, तेरे पीछे कौन पढ़ता है, तू जैसे काफिरों के पीछे कौन पढ़ेगा नमाज, अहमद रजा खान के पीछे नमाज पढ़ता है, कौन पढ़ा है अहमद रजा खान के पीछे नमाज, इनके कितने पढ़ा है, मैं भी पेश कर रहा हूँ कितने पढ़ा है, वो हवाले पेश कर, झूठा मकर अभी तक तेरे हवाले से झूठे हुए, काफिर कह रहा है ये तुम्हारी बुरी हवाले पेश कर, हवाले घामर कहीं के बिला वजह काफिर की हवाले पेश कर, हवाले सिर्फ 4 लोगों को काफिर कहा, तुम सारे बड़े दीदियों को अगर काफिर कहते हो तुम कुफर साबित नहीं कर सकते, तुम कह रहे हो। अब मैं पूछा आला हजरत के नामजद फतवा, एक भी नामजद फतवा दिखा नहीं सका, नामजद फतवा पर बात हो रही थी और आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैहि तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 10 उलमा कहे हैं इस दौर के भी और तुम्हारे अकाबिर उलमा। अरे कौन किसी अभी तक तो साबित नहीं कर पाए के आला हजरत को तुम लोगों ने रहमतुल्लाह अलैहि भी कहा और मुनाफिक दोगला होता है, ये साबित हुआ कि एक जगह रहमतुल्लाह मुनाफिकों की यही आदत है ना, अल्लाह के नबी के सामने भी मुनाफिक जो है सामने तारीफ करता था पीछे बुराई करता था, यही मुनाफिक जब अपने मकान के लिए हर घड़ी बदलता रहता है। इस दौर में भी तुम लोगों ने जब मौका मिले सलमान नदवी को अपने बड़ा अकाबिर आलिम कहते हो और बाद में मौका मिले सलमान नदवी के खिलाफ तुम बात करते हो, सलमान नदवी जो 100 साल से हम बात कर रहे थे वही बात आज सलमान नदवी कह रहा है काबे के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो वरना तुम्हारे हज बर्बाद हो जाएंगे, वही बात हमारे आला हजरत और हमारे उलमा अकाबिर उलमा वही बात 100 साल से कहते आ रहे थे, तुमको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि तुम लोग तुम्हारा जहन इतना कुंद है हो गया घटिया हो कि तुमको कोई दीन की बात जल्दी समझ में नहीं आती, हो गया जनाब हो गया तुम्हारा टाइम कहने पर मजबूर हो भागो मत, हो गया तुम्हारा बात नहीं होती वो यहूदियों के तुम्हारा टाइम हो गया। आला हजरत के बारे में तुम्हारे उलमा रहमतुल्लाह अलैहि लिखे, तुम्हारे उलमा आशिक रसूल लिखे, तुम्हारे उलमा आला, अरे हो गया तुम्हारा टाइम, तुम्हारा टाइम लिखे, अरे हो गया तुम्हारा टाइम, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया। हारून नदवी मैं, अरे खामोश है, तुम्हारा टाइम हो गया, मुझे बोलने दे। देखो सामईन, ये देखो जलालुद्दीन जो है ये बड़बड़ कर रहा है, इसने देखो ये खामोश रहे, अरे खामोश रहे ना यार, खामोश रहे,
खामोश रहे, खामोश रहे यार, बस भी बड़बड़ कर रहा है। मेरे टाइम पे मत बोल, अपने टाइम पे बोलना, खामोश रहे, खामोश रहे। ये हार हार शिकस्त की निशानी है कि बातिल खामोश नहीं होता। शिकस्त की निशानी है कि बातिल जो है दूसरे के वक्त में अलग अंदाजी करता है। ये खामोश रहे, ये खामोश रहे। हाँ देखो सामईन, आपने, अरे खामोश, मेरा दो मिनट है, एक मिनट नहीं, दो मिनट, दो मिनट है तेरे हिसाब से क्या? जो देखो सामईन वसूल तोड़ रहा है, दो दो मिनट का खुद ही वसूल तोड़ रहा है, वसूल तोड़ रहा है। अरे खामोश रहा यार, खामोश रहा, खामोश। अरे यार ये तेरे हिसाब से बात करूंगा क्या मैं हवाले दूंगा ना कि तेरे हिसाब से बात करूंगा। देखो सामईन, जलालुद्दीन सोफा, जलालुद्दीन चंदाखोर जो है खामोश नहीं हो रहा है, ठीक है। ये औलिया अंबिया का गुस्ताख जो है खामोश नहीं हो रहा है, खामोश रहे, खामोश रहे। औलिया अंबिया का ये गुस्ताख, इसका मुजद्दी खामोश नहीं हो रहा है, खामोश रहे, खामोश रहे। ये देखो सामईन, मैंने साबित कर दिया इसके मुजद्दी को कि इसके इसके उलमा खुद कहते हैं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उलमा बरेली को और इसके मुजद्दिद को काफिर कहते हैं, और इसकी किताबों से खुद साबित है काफिर कहते हैं। अब देखो ये सैफ़ी इमानी सफा नंबर 118, ये हजरत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अर्ज करते हैं कि मौलवी अहमद रजा साहब फाजिल बरेली अपनी बात तकरीरों की बिना पर खुद अपने फतवे से ऐसे ही काफिर हैं, खुद अपने फतवे से काफिर हैं। ये मौलाना मंजूर नोमानी खुद ये भी अकाबिर में से है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर में से है। उनकी मैंने इबारत पेश किया कि हजरत फाजिल बरेलवी को वो अरे यार तू हवाला पेश करता नहीं, बात करने करता है। तारिक जमील ने तो क्या कहा, ये हवाला कुछ पेश ही नहीं कर रहा है, बस खाली भाग रहा है इधर उधर। देखो सामईन, ये सामईन आपने सुना मौलाना मंजूर नोमानी और मौलाना हसन चांदपुरी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने सब की मैंने तहरीर पेश किया, ये सब कहते हैं हजरत अपने इसके मुजद्दिद बरेलवी के फाजिल बरेलवी काफिर मुर्तद है, ठीक है, सब कहते हैं। और इसी तरह हमारे दूसरे दीगर अकाबिर की इबारतें हैं, अब बिदती गुमराह कहते हैं, अतिक फतावा दारुण देवबंद में है कि कहते हैं वो बिदती है, इसके फाजिल बरेली को बिदती का है फतावा दारुण देवबंद में, बिदतियों का इमाम कहा गया है, ठीक है। वो तो कहते हैं रासुल मुक्तदीन, यानी बिदतियों के इमाम, बिदतियों के सरदार। भाग गया क्या जलालुद्दीन? भाग गया वो वो जब बड़बड़ शुरू कर दे समझ लो भागने ही वाला है। ये झूठा हवाला दे रहा है, बरेली आलिम का हवाला दे रहा है, इसको इतना ही नहीं मालूम, ये जहाँ इसके इसके मुजद्दिद की तारीफ मिल जाती है ना वो पागल हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि ये किसकी किताब है किसकी नहीं है, ठीक है, अपनी ही बरेली किताब का हवाला दे रहा है। भाग गया, फिर से लगाइए जरा यार, पूरी बात कहाँ हो पाई है, भाग जाता है वो। जी जी, अभी बहुत से हवाले छूट गए। ठीक है, इंशाल्लाह वो तो भाग जाएगा। एक बार लगाइए ना, देखो उठाता है क्या। काट रहा है तो फोन को, फोन काट रहा है। देखो सामईन, इतना दहशत है जलालुद्दीन के कि बात सुना नहीं और फोन काट के भाग गया, अभी फोन भी काट रहा लगाने दे, इतना दहशत है इन लोगों को। ये तो आपने किया उठा लिया, मेरा तो ब्लॉक करके रखा है।